हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान हमें कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई स्ट्रेच। उसमें हमें इस तरीके से दोनों पैरों को रखना है, जितना अंदर ले जा सकते हैं हम ले जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे की ओर मूव करना है एंड रिलैक्स। फिर से आगे की ओर मूव करेंगे एंड रिलैक्स। फिर से आगे की ओर मूव करेंगे एंड रिलैक्स। नेक्स्ट, इसी पोजीशन में हम बटरफ्लाई जैसे मूव करेंगे दोनों पैरों को इस तरीके से अप एंड डाउन। याद रखिए ज्यादा एक्सर्ट नहीं होना है, हम जितना कर पा रहे उतना ही करना है। अप डाउन एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके से दोनों पैरों को स्ट्रेच करके बैठना है। जब हम हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे हमें सांस लेनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो राइट हैंड जब मैं ऊपर ले जाऊंगी मुझे सांस लेनी है, जो पीछे ले जा रहे हैं जब सांस छोड़नी है। फिर से अब लेफ्ट हैंड के लिए करेंगे, ऊपर ले जाएंगे जब सांस लेनी है, जो पीछे रख रहे जब सांस छोड़नी है। अब नेक को पीछे की ओर जब ले जाएंगे तब सांस लेनी है, जब आगे की ओर लाएंगे तब सांस छोड़नी है। फिर से राइट हैंड को जब आगे की ओर लाएंगे सांस लेनी है, जब नीचे रख रहे तब सांस छोड़नी है। लेफ्ट हैंड के लिए भी सेम रिपीट करेंगे। फिर से इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके से दोनों पैरों को फैलाकर बैठना है। उसके बाद इस तरीके से दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे, गहरी सांस लेना है नाक से, और जब आगे की ओर स्लाइड कर रहे हैं तब हमें सांस मुंह से छोड़नी है। स्ट्रेच को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे फॉर एटलीस्ट 2 to 3 सेकेंड। फिर से बैक टू द पोजीशन, फिर से सांस लेंगे, एंड रिलैक्स। नेक्स्ट है चक्की पोजीशन। चक्की पोज में हम क्या करेंगे, जब आगे की ओर इस तरीके से मूव करेंगे सांस छोड़नी है, और जब पीछे लाएंगे तब सांस लेनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके से स्ट्रेच करना है। रिलैक्स एंड रिलैक्स। याद रखिए जो सारे स्ट्रेचेस है आपको लगभग 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके से पोजीशन पे बैठना है, एक हाथ इस साइड पे रखेंगे और पीछे की ओर टर्न करना है। होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड
एंड रिलैक्स दूसरी डायरेक्शन में. रिलैक्स. नेक्स्ट जो पोजीशन है उसमें हमें इस तरीके से नीलिंग पर यानी घुटने पर बैठना है और आगे की ओर इस तरीके से मूव करेंगे. इस पोजीशन को भी हमें 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है. एंड रिलैक्स. फिर से धीरे धीरे हमें इसका जो ड्यूरेशन है बढ़ाते रहना है. रिलैक्स. नेक्स्ट जो है वो है क्वाड्रिपुट पोजीशन. उसमें हमें इस तरीके से अल्टरनेट हाथ और पैर को मूव करना है. 1, 2, 3, 4, 5. अपोजिट पैर के लिए 1, 2, 3, 4 and 5. नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी हमें इसी पोजीशन में करनी है. इस तरीके से बाहर की ओर किक मारना है. 3, 4, 5. अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4 and 5 एंड रिलैक्स. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम इस तरीके से नीलिंग पर रहेंगे और इस तरीके से अप एंड डाउन मूव करना है. एंड रिलैक्स. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरीके से एक पैर को आगे की ओर लाएंगे और इस तरीके से आगे की ओर मूव करना है. दूसरे पैर के लिए एंड रिलैक्स. हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो करने वाले हैं वो हमें लगभग 32 से 34 वीक के बाद ही स्टार्ट करनी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो जो हमारी फर्स्ट है एक्सरसाइज है उसमें हम डिप स्क्वैटिंग करेंगे. इस तरीके से स्क्वैटिंग करेंगे और जितने लंबे समय तक हम इस पोजिशन को होल्ड कर पा रहे होल्ड करके हमें इस तरीके से बैठना है. इससे जो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल है वो स्ट्रेच होती है. हिप एरिया स्ट्रेच होता है जिससे हमारा जो लेबर होता है वो नॉर्मल और शॉर्ट लेबर होता है जिससे हमारी जो डिलीवरी होती है नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड रिलैक्स. नेक्स्ट है हमारी डक वॉक. डक वॉक के लिए भी हमें इसी पोजिशन में बैठना है. दो हाथ आगे की ओर रहेंगे और इस तरीके से वॉक करना है. रिलैक्स. आप यदि बीच में थक रहे हैं तो लगभग 7 से 8 स्टेप लीजिए फिर रुक जाइए फिर रिपीट करिए. हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम स्क्वैटिंग करेंगे. इस एक्सरसाइज में इस तरीके से दोनों पैरों को वाइड रखेंगे. हमारे बेबी बम को इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे एंड स्क्वैट करेंगे. 1, 2, 3 एंड रिलैक्स. 1, 2, 3 एंड रिलैक्स. नेक्स्ट जो स्क्वैट है उसमें हमें इस तरीके से नीचे की ओर जाना है. होल्ड करेंगे पोजीशन 10 सेकंड के लिए एंड रिलैक्स. फिर से एंड रिलैक्स. सो ये थी हमारी थर्ड ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइजेस यानी हमारी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही की एक्सरसाइज जिसका ड्यूरेशन होता है 27वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते तक का. ये जो एक्सरसाइज है आपको हेल्प करेगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए. साथ में जो हमारा लेबर होता है वो भी शॉर्ट होता है. पेन भी कम होता है क्योंकि हमारी जो हिप की मसल है वो स्ट्रेच होती है.
हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल स्ट्रेच होती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर याद रखिए, ये जो मैंने डक वॉक और उसके बाद जो एक्सरसाइज बताई है, वो आपको लगभग 32 से 34वें हफ्ते के बाद ही शुरू करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे और फिजियोथेरेपी रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे।